देख रहे MNS न्यूज पर, देखते हैं कुछ आज की ताजा खबरें। रॉकेट डालकर पत्नी को जलाया, चरित्र पर करता था संदेह। शादी को केवल 4 महीने ही हुए थे, लेकिन पति चरित्र पर संदेह कर रोजाना पत्नी से विवाद कर रहा था। हद तब पार हो गई जब उसने रॉकेट डालकर पत्नी को जला दिया। महिला इंदिरा नगर निवासी आरती उइके बताई गई है। पुलिस ने उसके पति अनिल हंसराज उइके के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसियों द्वारा आग बुझाकर आरती को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया। गर्भवती कर फरार हुआ युवक, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। घर के पड़ोस में रहने वाली युवती को एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। युवती ने उसे गर्भवती होने की जानकारी दी और शादी करने को कहा तो आरोपी युवक उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर शैलेश राजेश पंडलवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शैलेश मूलतः बालाघाट से है तथा पीड़ित अपनी मां के साथ अजनी परिसर में रहती थी। अजनी पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। बेटे ने चुराए 1 करोड़ की FD के कागजात। सोनेगांव थाना अंतर्गत वृद्ध माँ ने अपने ही बेटे के खिलाफ करीब 1 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट के कागजात चुरा कर कैश कराने की कोशिश का मामला दर्ज कराया है। आरोपी का नाम हेमंत मदनलाल फुलसुंगे बताया गया है। उषा रानी मदनलाल फुलसुंगे के पति ने समय समय पर बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दोनों के नाम से 1 करोड़ रुपए की 11 FD बनाई थी। पति के मौत के बाद उषा रानी ने पति द्वारा दिए गए जरूरी कागजात देखना शुरू किया तो सीक्रेट बॉक्स में से सारी FD गायब मिली। तब उन्हें चोरी का पता चला। उषा रानी ने बैंक मैनेजर से इस बारे में बात की तो मैनेजर ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनका बेटा हेमंत सारी ओरिजिनल FD लेकर बैंक आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।